हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एन क्लास थर्ड का चैप्टर बर्ड टॉक थिंक सेट द रॉबिन थिंक सेट द जे सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे तो एक दिन क्या होता है दो तो बर्ड्स होती हैं जिनका नाम होता है रॉबिन और जी वो आपस में बात कर रही होती हैं जब वो गार्डन में बैठी हुई होती हैं थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो दे डोंट हैव फेदर्स फ़ैदर्स ऑल यू नो फिर वो कहते हैं कि आप तुमने कभी पीपल जो लोग होते हैं इंसान होते हैं इनके बारे में सोचा है कि वो किस तरीके से बड़े होते हैं क्या तुम्हें पता है कि उनके पास बिल्कुल भी पंख नहीं होते हैं फेदर्स नहीं होते हैं उनके पास दे डोंट ईट बीटल्स दे डोंट ग्रो विंग्स दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स और पता है वो बीटल्स जो होते हैं जो जैसे कीड़े वगैरह जो खाते हैं ना बर्ड्स उनको बीटल्स बोलते हैं तो मतलब वो बीटल भी नहीं खाते हैं उनके पंख भी नहीं होते हैं और उनको पसंद भी नहीं होता है बैठना वायर्स जैसे कि जो पतले पतले वायर्स होते हैं उनके ऊपर बैठी होती है ना बर्ड्स तो बर्ड्स कहते हैं कि इंसानों को तो इस पर बैठना भी पसंद नहीं होता है थिंक सेट द रॉबिन द जे आर एंड पीपल फनी टू बी दैट वे फिर फिर से रॉबिन और जे बोलते हैं सोचो ज़रा कि जो पीपल होते हैं लोग होते हैं ये कितने ज़्यादा फनी और मजाकिया टाइप के होते हैं तो इसमें हमने कौन कौन से वर्ड सीखे बीटल बीटल होते हैं छोटे छोटे से कीड़े सिटिंग मतलब होता है बैठना वायर मतलब तार फनी का मतलब होता है मजाकिया तो पोएम में बस यही है इसकी समरी अगर हम देखें बर्ड टॉक में कि दो बर्ड होती हैं वो गार्डन में बैठी होती हैं वो आपस में बात करती हैं लोगों के बारे में कि लोग कैसे होते हैं वो कहते हैं कि लोगों के तो फैदर भी नहीं उगते हैं और वो बीटल नहीं खाते उनके पंख भी नहीं होते और उनको वायर से बैठना भी पसंद नहीं होता फिर दोनों बर्ड होते हैं वो आपस में कहती हैं कि ये जो इंसान होते हैं कितने ज़्यादा फ़नी होते हैं आप देखिए इसके क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन है नेम द टू बर्ड्स इन द पोयम तो जो पोयम में दो बर्ड्स हैं उनके नाम बताने हैं तो इसका आंसर होगा द टू बर्ड्स इन द पोयम आर रॉबिन एंड जे सेकेंड क्वेश्चन वॉट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कैन डू सो इसका आंसर होगा द थ्री थिंग्स दैट पीपल कैन डू आर दे कैन नॉट ग्रो विंग्स दे कैन नॉट ग्रो फैदर्स दे कैन नॉट सिट इन वायर्स और फिर उसके बाद हाँ ये तीन लिख सकते हैं और थर्ड क्वेश्चन है वॉट डू बर्ड्स सिंक ऑफ पीपल जो बर्ड्स हैं वो लोगों के बारे में क्या सोचती हैं द बर्ड थिंक दैट पीपल आर फनी बर्ड्स को लगता है कि जो पीपल होते हैं वो बहुत ज्यादा फनी होते हैं तो क्या हमारा ये पोएम कम्प्लीट हो गई